प्रदेश में हमारे पास लैंड बैंक है, सरकार के पास हमारे पास लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन सरकार के पास है। आपको मैप पे हम दिखा सकते हैं और आप जहां उंगली रखें, हम विदिन ए वीक आपको, आप कहेंगे कि आज ही कर दो तो बैठ के हम आज ही अलॉट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्डल नहीं। जमीन की उपलब्धता है, बढ़ते हुए हमारे शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, उज्जैन, अलग अलग आपको हर जगह हमारे पास जमीन मिलेगी। दूसरी चीज 24/7 पावर हमारे पास है, पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, वो जमाने चले गए जब 2-3 घंटे बिजली आएगा। आजकल तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश के सोलर प्लांट से चलती है, रीवा से भेजते हैं। हमारे पास पावर की कोई कमी नहीं है, पानी की पर्याप्त तो उपलब्धता है, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, बाकी सब चीजों के लिए पानी लगता है, तो नर्मदा जी कल कल चल चल करके बह रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब मैंने सरकार संभाली थी तो कुल मिला के 7.5 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश में, एलिगेटेड लैंड थी, और वो भी राजा नवाब अंग्रेजों के जमाने से सब मिला के। आज अब 45 लाख हेक्टर हमारी एलिगेटेड लैंड और 65 लाख हेक्टर तक मैं ले जा रहा हूँ, 1.5-2 साल में ले जाऊंगा। मैं पानी रोक दिया हमने, जगह जगह छोटे और बड़े डैम बनाए, तो आपको जितना पानी चाहिए हमारे पास पानी मौजूद है, पानी की कोई कमी नहीं। स्किल्ड मैन पावर की बात अभी अभिजीत बता रहे थे आपको, हमारे पास है और आप जैसी कहेंगे हम वैसी तैयारी भी करेंगे, आपके साथ मिलकर भी हम तैयार कर सकते हैं। शांति का टापू है मध्य प्रदेश, 24/7 3 शिफ्ट में हमारे यहाँ टेक्सटाइल गारमेंट आईटी इंडस्ट्री काम कर रही है, यानी अगर आपको अगर बेटियां ज्यादा काम कर रही तो कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैनडेज लॉस नहीं है हमारे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये आपको सुनने नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के लोग शांति से काम करने में विश्वास रखते हैं, हमारी आईटी पॉलिसी हो, अलग अलग सेक्टर की जितनी भी पॉलिसी है वो हम पेन ड्राइव भी दे रहे हैं, आप ढंग से उसको देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज में पॉलिसी कहूँ वो बहुत प्रोग्रेसिव है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और फिर हम कस्टमाइज पैकेज की बात कही थी, अलग अलग प्रपोजल्स आते हैं तो उनके लिए CCIP में हम विचार करते हैं, एक टेबल पे विचार करते हैं, और अगर और कोई सुविधा देनी आवश्यक समझते हैं तो वो भी केस टू केस देने का की व्यवस्था हमारी है। मुझे लगता है कि और फिर आईटी हो, बाकी इंडस्ट्री हो, उसके लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो मध्य प्रदेश में मौजूद है। इकोसिस्टम की बात आजकल होती है, इकोसिस्टम मध्य प्रदेश में है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी प्रोएक्टिव है। कई बार लगता है जब बुलाने आते हैं तब तो कहते हैं आइए सब कुछ दे देंगे, और बाद में फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वैसा नहीं होगा। पूरी मेरे मंत्री भी बैठे हैं, मेरी टीम भी बैठी है, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं भी वहां हूं, कल सीएम नहीं सीओ भी हूं, एक तरफ है हमने काम करने की, और वो तरफ हमारे प्रदेश को आगे बढ़ा रही है, हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे देश को उस मुकाम पर पहुंचा पाए जिसका वो हकदार है, और दुनिया की प्रगति और विकास में भी अपना बेहतर योगदान कर पाए। और इसलिए आपको बड़ी शिद्दत से, गंभीरता से हम इनवाइट करने आए। ये कर्मकांड नहीं है कि मुख्यमंत्री को करना पड़ता है तो एक बार चलो बेंगलोर भी चले, हम बहुत गंभीरता के साथ आए आपको लेने। आप मध्य प्रदेश आइए, हमारी पॉलिसीज देखिए, यहां भी चाहे तो बंटू बंद कीजिए। रात को भी मैं 10:30-11 बजे तक बैठा था, सवेरे 8:30 बजे से भी मिल रहा था, डिस्कशन कीजिए, कोई और जरूरत हो तो बताइए, क्योंकि एक पॉलिसी बना दी तो मैं कई बार कहता हूं ब्रह्मा जी ने थोड़ी लिख दी कि बदली नहीं जा सकती, हम बनाते हैं, हम जरूरत के मुताबिक अगर परिवर्तन हो तो वो भी कर देंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी 11th एंड 12th जनवरी को, और उसके पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन है मध्य प्रदेश में। 80 से ज्यादा देशों के एनआरआईज हम मध्य प्रदेश आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी समापन करेंगे, और उसी के साथ जोड़ के हमने 11-12 तारीख को हमारी इन्वेस्टर समिट रखी है। तो इन्वेस्टर समिट के लिए भी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, लेकिन तब तक इंतजार नहीं करना, अभी बातचीत करें, रोड मैप बनाए, तब फाइनल कर दें, केवल उस समय सुने और फिर समझें काहे के लिए। तो जो सीरियस है उनको मैं सीरियसली आमंत्रित कर रहा हूं, तो उसके पहले ही वर्कआउट कर लें और तब श्री गणेश कर लें। आप जरूर आइए मध्य प्रदेश, महाकाल महालोक देखने भी आइए, उज्जैन में एक अद्भुत सृष्टि हुई है, शिव सृष्टि। और आप ये जानते हैं मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, और अब तो चीता स्टेट भी एमपी ही है। और टाइगर स्टेट भी ऐसा है कि अगर हमारे वाइल्ड लाइफ को आप देखने जाएंगे तो कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। तो मैं हृदय से आपको आमंत्रित करता हूं। मैंने कहा कि सच में कर्मकांड नहीं है ये, आप गंभीरता से सोचिए, हम लोग डिस्कशन करें, बातचीत करें, और विन विन सिचुएशन रहे। देखिए इन्वेस्टर भी आएगा तो वो इसलिए आएगा कि कुछ इनकम कमाए, लाभ कमाए, मत व्यवहारिक बात। और सरकार क्यों चाहेगी, मैंने कुछ चीज बताई जीएसडीपी से लेके, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जॉब हमको क्रिएट करना, बच्चों को रोजगार भी देना है, और बाकी चीजें सब जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा भी स्वार्थ है जी, हम कोई परमार्थ ही करने थोड़ी आए तो मुझे छुपाने में, और इसलिए मैं विन-विन सिचुएशन की बात कर रहा हूं, जो राज्य के लिए भी हितकारी हो। आप हमें क्या देंगे, हम आपको क्या देंगे, तो मिलकर समान हित हमारे आपके भी पूरे हों और प्रदेश के भी पूरे हों, हम लोग मिलकर काम करें, प्रदेश भी आगे बढ़े, अपना देश भी आगे बढ़े, और जीवन भी सफल सार्थक हो। केवल अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, कुछ ऐसा भी काम करें कि लोगों का भी फायदा हो, हमारी जिंदगी भी सार्थक हो कम से कम। और बिजनेसमैन भी करता है, लेकिन अपने लिए नहीं करता, इतने लोगों को रोजगार देता है, तो वो भी उससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा नहीं। इसलिए मैं तो जीवन की सार्थकता मानता हूं, अगर हम प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़ते हैं। तो लंबी बात नहीं करूंगा, आप जरूर आइए, निवेश करने आना है, ये तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश घूमने भी आइए। अपनी परंपरा है अतिथि देवो भवा की, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मध्य प्रदेश आएंगे तो आपको जान से ज्यादा संभाल के रखेंगे हम, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Sir, for your valuable